कॉपी राइटिंग बहुत जबरदस्त चीज है, आपकी एड कॉपी स्ट्रांग होनी चाहिए। एड कॉपी का मतलब समझते हो आप लोग? कॉपी का मतलब होता है जब आप कोई एड देखते हो ना, तो उस एड में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है ना, कुछ कंटेंट लिखा होता है, उसके बाद कुछ हेडलाइन लिखी होती है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, और कुछ बटन में कुछ लिखा होता है, तो वो सारी चीजें आपकी क्या वर्ड्स को यूज करा गया है उसको हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं। कॉपी राइटिंग का मतलब आप अपने वीडियो में क्या स्क्रिप्ट यूज किए हो ये भी मैटर करता है ना, आपकी वीडियो स्क्रिप्ट कैसी है ये भी मैटर करता है, वीडियो स्क्रिप्ट का मतलब आपने वीडियो में क्या बोला है ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ऑडियंस टारगेटिंग, अगर आपको अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग नहीं करनी आती है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो आपको ऑडियंस की टारगेटिंग करना आना चाहिए कि मतलब किस तरह की ऑडियंस हमें लेनी चाहिए, फनल बनाना आना चाहिए, एड कॉपी लिखनी आनी चाहिए, वीडियो में क्या बोला है उसका कंटेंट आप पहले से डिसाइड कर लें, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लें, किस किस तरीके का आपको यूजर को बेनिफिट्स बताना है, कैसे अपने फीचर्स को बताना है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, और देन आपको इनवाइट करना है। ऑडियंस टारगेटिंग आनी चाहिए, और क्या आपको आना चाहिए? बहुत बढ़िया, आपको लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए, अच्छा लैंडिंग पेज। अच्छा का मतलब कन्वर्टिंग, ठीक है? आपको एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए कि यानी अगर आपके लैंडिंग पेज पर कोई बंदा आ जाए तो आप उसको जाने मत दो बस, ठीक है? ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और क्या आना चाहिए आपको? ऑफर्स क्रिएट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसमें फेल हो गए, शायद इसमें फेल हो गए, शायद इसमें फेल हो गए, शायद इसमें फेल हो गए, अगर ये स्ट्रांग है सारा कुछ पास, देखने में बहुत छोटा लगता है बट एट द एंड अगर आपका ऑफर स्ट्रांग है तो सारी गलतियां आप एक बार इग्नोर कर सकते हो, हालांकि मुझे करनी नहीं है लेकिन आप उनको इग्नोर कर सकते हो। तो इन सारी चीजों पर हमें करना है काम, आपको अच्छी कॉपी राइटिंग सीखनी है, अच्छा फनल बनाना सीखना है, अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग सीखनी है, अच्छा लैंडिंग पेज। तो इसमें आपने क्या क्या सीख लिया है मुझे ये बताओ। मुझे लगता है लैंडिंग पेज आपने सीख लिया है, ऑडियंस टारगेटिंग हम आपको सिखा देंगे। अब बात आती है एड कॉपी और वीडियो स्क्रिप्ट की, ये बहुत आसान काम है, फनल बनाना भी एक बहुत आसान काम है। आसान और सिंपल तरीके हम बताएंगे, मेहनत करने वाला कोई काम नहीं बताएंगे, कि आप जा करके एड कॉपी का कोर्स खरीदो, कोर्स में जाके पढ़ो, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो, नहीं, इन सब का फायदा आप कैसे उठा सकते हो दूसरों से, ठीक है? आपको क्या करना है, फनल बनानी है। तो आपका मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ठीक है, मेरा मान लो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है अगर, तो मैं क्या करूंगा बताओ? इस कोर्स को हमें बेचना है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स को बेचना है। अगर इस कोर्स को मुझे बेचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं और जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कराते हैं उसमें से टॉप 10 लोगों को ढूंढूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, टॉप 10 लोगों को ढूंढूंगा और उन टॉप 10 लोगों को मैं कर लूंगा ऑप्टिन। ऑप्टिन का मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं जा करके वहां पर उनके प्लेटफॉर्म पर अपना ईमेल आईडी और नाम दे दूंगा। जब मैं उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपना नाम और ईमेल आईडी दूंगा तो वो मुझे क्या करेंगे, उनकी क्या एक्टिविटी होती है, वो किस तरीके से मेल करते हैं, मेल में क्या कंटेंट लिखते हैं, उनका लैंडिंग पेज कैसा है, मतलब अब यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। ये काम तो आपको करने करना, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आप रिसर्च कर लें। रिसर्च में आपको क्या करना है, जिस भी इंडस्ट्री में आप सेल्स करने जा रहे हैं या फिर जो अपना एड वगैरह चलाने जा रहे हैं, तो आप टॉप 10 लोगों को ढूंढिए कौन है उस इंडस्ट्री के और उन लोगों को आप कर लीजिए ऑप्टिन। अब क्या करिए, आप उन लोगों के लैंडिंग पेज पर जाइए, ठीक है, उन लोगों के लैंडिंग पेज पर जाइए, उनका आप ईमेल फॉलोअप चेक करिए कैसा है और वो क्या क्या कर रहे हैं, लाइक आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब उनकी एक्टिविटीज पर आपको करना है फोकस, ठीक है, एक्टिविटीज पर आपको फोकस करके उनके बिजनेस मॉडल और उनका फनल समझना। फनल मतलब क्या, कि जैसे ही आपने ईमेल आईडी दी उसके बाद वो किस तरीके से आपको पिच करते चले जाते हैं, आपने एक ईमेल देखा फिर दूसरा वो ईमेल भेजेंगे, तीसरा ईमेल भेजेंगे, मतलब वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सेल्स होने तक की, उस प्रोसेस को ही फनल बोलते हैं हम बेसिकली।
मतलब एक यूजर हमारे पास आया, वहां से लेकर के सेल्स होने तक के बीच के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं। तो वो बीच के प्रोसेस को हमें समझना है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखो, अगर आप सीखोगे ये चीज तो आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमें सीखना नहीं, हमें बस रिसर्च करनी कि वो कैसे कर रहा और उसको कॉपी कर लो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा उसी लेवल का और वो टॉप लोगों का, समझ रहे हो। अब इन टॉप 10 लोगों का जाकर के आप क्या करोगे, आप इनका लैंडिंग पेज चेक करोगे और लैंडिंग पेज में क्या कॉपी लिखी है, कॉपी का मतलब क्या कंटेंट लिखा है, हेडलाइन क्या लिखी है, उनकी वीडियो देखो, उनकी एड की वीडियो देखो, ठीक है। अब ये सब मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा, ये इतना आसान काम है कि पूछो मत, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है टॉप लोगों को, ठीक है। उनकी एड कॉपी आपको क्या करनी, अब ये जितनी चीजें हमने बताई ना, इनकी आपको रिसर्च करनी, रिसर्च करना आपको अच्छे से आना चाहिए। रिसर्च करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि हर बंदे, मान लो टॉप 10 लोगों के हैं, तो उन टॉप 10 लोगों का लैंडिंग पेज आप चाहो तो एक वर्ड फाइल खोल के उनका पूरा का पूरा कंटेंट लिखो, देखो, नहीं देखने की हम बात नहीं कर रहे हैं, लिखो, मतलब प्रॉपर 10 के 10 आप वर्ड डॉक्यूमेंट लो और 10 वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक बंदे का पूरा वो बना लो रिसर्च पेपर, उसमें उसके लैंडिंग पेज की एक एक लाइन लिखो कि वो क्या लिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से उसका ईमेल फॉलोअप का तरीका सीक्वेंस लिखो, ईमेल में क्या कंटेंट लिख रहा है वो लिखो, क्यों लिख रहा है उस बात को समझो, वो हवा में नहीं लिख रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, रिसर्च करके उस बंदे ने लिखा है और वो बेहतरीन लेवल की एड कॉपी है, ये भी आपको पता है। तो बस हमें ये समझना है ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझना है और उसमें से टॉप 10 में से एक अपना पेज बनाना है जो सबसे क्या हो, अलग हो और सब में से टॉप चीजें निकाल लो। वो हो सकता है कि आपका उसमें से भी टॉप निकल के आ जाए पेज, क्योंकि आपने टॉप 10, ये कोई करता नहीं है, सब लोग क्या करते हैं ना, जो लोग सीखते हैं, जो लोग लर्निंग फेज में होते हैं, वो अपना करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ज्यादातर लोग, सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो अपना करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप अपना मत करो, पहले आप कॉपी करना सीखो, पहले आप कॉपी करना सीखो फिर अपना करना सीखो, उल्टा तरीका होगा यहां पर। बात यह है ना, ये इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन। अगर एक बच्ची को एक जंगल में छोड़ दिया जाए जिसको कुछ नहीं आता है, तो अब ये बताओ कि क्या वो ह्यूमन बिहेवियर और समाज को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक बच्चा जिस सोसाइटी में जन्मता है, जिस सोसाइटी में जन्म लेता है, वो उसकी कॉपी फॉलो करता है और सक्सेस और फेल हो जाता है। वो बच्चा अपनी सोसाइटी को फॉलो करता है, अपने परिवार को, समाज को फॉलो करता है और उसका जो एटमोसफियर होता है उसको फॉलो करने के बाद उसका फाउंडेशन बनता है और देन उसकी सफलता या असफलता होती है। लेकिन अगर हम उसको कुछ दे ही ना और लर्निंग फेज में डाल दें, मतलब उसको कुछ हम एटमोसफियर ना दें और लर्निंग फेज में डाल दें, अब बताओ वो क्या कर पाएगा, समझ रहे हो ना। यही हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम लोग खुद से करने की कोशिश करते हैं, ना 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 ना, पहले आप समझो बातों को, उन टॉप 10 लोगों से जाकर के देखो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, अपने आप आइडियाज आएंगे और अपने आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, मतलब वो टॉप लेवल का एक्सपीरियंस आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस तरीके को अपनाओ जो कि कोई नहीं अपनाता, सबसे यूनिक तरीका है सीखने का मेरे हिसाब से, ठीक है। सो आप इसको जरूर से जरूर करें और ये बिल्कुल ये एक ही बार अपनाना। अब जिस भी इंडस्ट्री में आपको जाना है, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, मान लो आपके पास कल को कोई क्लाइंट आता है और वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉप 10 लोगों की रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद आप उनका लैंडिंग पेज, उनकी वेबसाइट। हम लोग सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है कि हम रिसर्च नहीं करते हैं, हम बस काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे को जो लगता है कि मुझे कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए बिना रिसर्च के नहीं करना चाहिए, रिसर्च प्रॉपर होनी आपकी जरूरी है। कम से कम आप अपने इंडस्ट्री के टॉप 10 लोगों को कहीं पे भी जाइए, उनको आप देखिए, उनके वर्ड्स को समझिए, उनकी बातों को समझिए, वो क्या फॉलो कर रहे हैं वो समझिए ना, तो मजा आ जाएगा। फिर तो मतलब एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आपको होगा और आप जो बाकी 80% 90% जनता है उनसे कहीं गुना ज्यादा आगे होंगे, ठीक है। तो आपको भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग जाने की जरूरत है इस टाइम पर। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फनल की। अच्छा, आप लोग बताओ फनल कितने टाइप की होती है, फनल क्या होती है, तो समझ गए ना बात हमारी, सबको एकदम पक्का हो गया, नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। फनल कितने टाइप की होती है बताओ, कोई एक टाइप बता सकते हो फनल का, या कोई नाम सुना है
फनल का किसी किसी फनल का नाम सुना है आप लोगों ने? चलो कोई नहीं, हम बात करते हैं। पहला एक होता है लीड फनल, इसका नाम सुना है आपने? लीड फनल को हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करना होता है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करना होता है। ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फनल बनानी पड़ेगी। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको लैंडिंग पेज बनाना पहले से आता है, आपको एड कॉपी लिखनी और जितना कुछ है वो सब आपको पहले से आता है, ठीक। वो सब हमने करने के बाद हमने एड चलाई और अब मेरा मेन मकसद क्या है कि हमें लीड्स को, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करना। सेल्स हमारा यहाँ मकसद नहीं है, उसको हम बोलेंगे सेल्स फनल। समझ रहे हो? जिस फनल में हमारा मकसद होता है बेचना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स फनल। लेकिन यहां पर हमारा मकसद, देखो बहुत ध्यान रखो, मकसद क्या है? सबका अल्टीमेट मकसद सेल्स होता है। सबका अल्टीमेट मकसद क्या होता है? सेल्स करना। लेकिन आप उस पर फोकस नहीं करोगे। समझ में आई बात? हाँ। तो मान लो पहले हम करते हैं ज्यादा से ज्यादा लीड्स, क्योंकि जब आपके पास लीड्स होंगे तब ना आप सेल्स कर पाओगे। तो आप अपना गोल बनाए, मान लेते हैं कि लीड जनरेट करना है, तो लीड जनरेट करने के लिए आपने एक बनाया लैंडिंग पेज। नहीं, इसको लीड फनल नहीं बोलते, इसको लीड मैग्नेट फनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट का मतलब समझ में आया क्या होता है? अब तो आपको पता भी चल गया है क्या होता है। लीड मैग्नेट फनल का मतलब होता है एक ऐसी फनल जिसमें हम अपनी लीड्स को एक मैग्नेट की तरह आकर्षित कर लें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी नए क्लाइंट को जाना है, आपने कुछ फ्री में ऑफर कर दिया। क्या कर दिया? कोई फ्री कोर्स दे दिया। आपने क्या बोला उस बंदे से? आपने अपने लैंडिंग पेज पर आए और लैंडिंग पेज पे बोला, या फिर अपनी एड में आपने बोला कि अभी मैं आपको 3 दिन का एक क्रैश कोर्स देने वाला हूँ, 3 दिन का कोर्स फ्री में देने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, है ना, या कुछ भी। आप क्या देने वाले हो? लाइक आप क्या क्या फ्री में दे सकते हो? कोई कोर्स दे सकते हो, कोई ई बुक दे सकते हो, कोई वेबिनार या मास्टर क्लास जो भी आप कहना चाहो उसमें इनवाइट कर सकते हो फ्री में, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर फ्री में दे सकते हो, कोई गिव अवे दे सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो? उसको फ्री में दे सकते हो। आपने इंटरेस्ट वगैरह से टारगेटिंग करा है, मतलब जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उन्हीं लोगों को ऐड दिख रहा है। अब अगर उनको आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बिल्कुल फ्री में दोगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो क्या करेंगे? आपको अपना लीड देंगे। आपका मेन मकसद है लीड जनरेट करना, तो लीड जनरेट करने के लिए आपको कुछ उनको लालच देना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो? मछली पकड़ने के लिए चारा तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो मछली आएगी आपके जाल में। तो उस भावना से मत सोचना, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि हमको कुछ ना कुछ फ्री में देना पड़ेगा, तभी वो बंदा हमसे आकर्षित होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीड मैग्नेट फनल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कई सारा कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। इसको हम लीड मैग्नेट फनल में हम ये भी बोल सकते हैं, ई बुक फनल बोल सकते हैं, इसको वेबिनार फनल बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर फनल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपकी ये फनल हो जाती है। और क्या होती है? एक सेल्स फनल होती है। सेल्स फनल में क्या होता है बताओ? उसमें आपका मेन मकसद क्या होता है? सेल्स फनल बहुत जबरदस्त चीज है। जितने भी अफिलियट ऑफर्स आप देखते हो वो सब क्या करते हैं? ज्यादातर वो लीड फनल पे काम नहीं करते, वो सेल्स फनल पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको एक बहुत महंगी चीज को बहुत सस्ते में ऑफर करते हैं। जैसे स्पीचलो, एग्जाम्पल के तौर पे स्पीचलो एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, हम सबको पता है, और उसका प्राइस अगर $100 भी होगा तो लोग ले लेंगे। लेकिन वो क्या करता है? उसको $100 दिखाने के बाद आपको $27 का बेचता है। दिखाता आपको $100 है, उसके बाद उसका जो मेन प्राइस है वो $47 है, लेकिन बेचता आपको कितने में है? $27 में। अब $27 में अगर आपने ले लिया, अब वो फनल में आपको ले आया, उसका मेन मकसद आपसे $27 नहीं बनाना था। इसी तरीके से हर बिजनेस जो सेल्स फनल बनाती है उसका मेन मकसद क्या होता है? कुछ और होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? $27 का बेचा, उसके बाद में उससे ओटीओ आना शुरू होते हैं। ओटीओ का मतलब वन टाइम ऑफर। वो क्या करता है? जैसे आपने $27 का खरीदा, तुरंत आपको एक वन टाइम ऑफर मिलता है, ठीक है। उस वन टाइम ऑफर में बोलते हैं कि अभी हम आपको एक और ऐसा चीज देने जा रहे हैं, इसी में जैसे इसका प्रीमियम वर्जन जो आता है अपग्रेड करने पर जो पूछता है वो आपको 47 या जितने भी डॉलर का आता है, उसमें ये कहता है कि वो आपको और ज्यादा हाई क्वालिटी की प्रीमियम वॉइसेस और बहुत सारी चीजें फ्री में देता है, ठीक है। तो उसने क्या किया? $27 बेचने के बाद फिर आपको और महंगा प्रोडक्ट बेचता है, फिर उससे महंगा प्रोडक्ट बेचता है। देखो सारे लोग नहीं लेते हैं, बट क्या होता है कि उसमें से
2-3% लेते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे $27 का मान लो लिया 100 लोगों ने, ठीक है, तो ये ले लेते हैं आपका 20 से 25 लोग ये भी ले लेते हैं, फिर उसमें से 3-4 लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पूरी बनती है सेल्स फनल। अब इसमें एक क्रॉस प्रमोशन भी करते हैं, वो सब अलग की बातें हैं, बट कहने का मतलब ये है कि इसमें एक आपको मिनी प्रोजेक्ट बेचा गया, मिनी प्रोडक्ट बेचा गया, उसके बाद में उससे थोड़ा सा हायर वर्जन, उससे हायर वर्जन, ऐसे करते करते आपको वो बेचते चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, और कोई फनल का नाम बता सकते हो? वेबिनार फनल में क्या होता है, देखो वेबिनार फनल में क्या होता है कि पहला मकसद तो हमारा लीड जनरेशन होता है, लेकिन दूसरा मकसद हमारा क्या होता है, सेल्स करना। यानी कि वेबिनार में हम फ्री में इनवाइट करते हैं किसी को, और देन उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर वेबिनार में हम क्या करते हैं, अपना कोर्स पेच करते हैं, ठीक है। वेबिनार करने के बाद हम उसको अपना कोर्स बेचते हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने वेबिनार रखी थी, इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद में हम उसको सेल्स करते हैं। तो ये भी एक टाइप का फनल ही है, अलग से भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मेंबरशिप फनल, हॉट स्टार और अमेज़न प्राइम, बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। और सबसे अच्छा इस टाइम पर काम कौन कर रहा है, क्या आप अपना दिमाग लगा करके एनालाइज कर सकते हो? अगर हम हॉट स्टार, अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स की बात करें तो सबसे तगड़ा कौन कर रहा है? नेटफ्लिक्स घाटे में है, आपको पता नहीं है बात, सबसे नंबर वन पे अमेज़न प्राइम है। आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान रखा करो, मार्केट में चल गया है। मैंने आपको भी पिछले स्टेप में एक चीज बताई थी ना, कि अगर ये सारे स्टेप फेल भी है और ये स्टेप जिसके पास तगड़ा है वो सबसे आगे निकलेगा, और ये अमेज़न प्राइम के पास तगड़ा है। ऑफर, अमेज़न प्राइम ऑफर के ऊपर पूरी क्लास हम रखेंगे एक दिन, ठीक है। अमेज़न प्राइम के पास देखो, नेटफ्लिक्स क्या करता है, नेटफ्लिक्स सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है, वेब सीरीज मूवीज। हॉटस्टार के पास क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑफर क्या है उसका, उसका ऑफर ये है कि आपने अगर अमेज़न प्राइम लिया तो आपको प्राइम वीडियोस, वेब सीरीज तो फ्री में मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आप हमारे अमेज़न प्राइम पर जाकर के फास्ट डिलीवरी ले सकते हो, फास्ट सपोर्ट ले सकते हो, वन डे डिलीवरी ले सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। अब बताओ ना, तीन में से कौन सा आप लोगे, आप कौन सा लोगे? कोई भी क्या लेगा, बात समझ रहे हो हमारी? उसका ऑफर स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। लोगों को क्या चाहिए भाई, अमेज़न पे शॉपिंग तो सब करते हैं, और लोगों को क्या चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी तो मिल रहा है। तो बंदा तो अमेज़न प्राइम हॉटस्टार पे सिर्फ और सिर्फ वो मिल रहा है। सबसे ज्यादा ऑफर जो स्ट्रांग है वो अमेज़न प्राइम का स्ट्रांग है, और इसीलिए वो बीट कर रहा है बाकी सारे लोगों को, ये बहुत बड़ा उसका एडवांटेज है, ठीक है। मेंबरशिप फनल के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या? और कौन सी होती है? एक आपने देखा होगा फिजिकल बुक का फनल होता है, सुना है, रसल ब्रांसन करता है वो क्या करते हैं, इसको भी आप इसी में नोट कर सकते हो। एक होता है फिजिकल बुक फनल, इसको अलग से हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसका मेन मकसद क्या होता है, देखो इसमें हम ये बोलते हैं अपने लैंडिंग पेज पर कि यार मैं आपको एक बुक बिल्कुल फ्री में दूंगा, वो भी फिजिकल बुक जो कि आपके घर पर डिलीवर होगी। अब बंदा क्या होता है, जैसे ही एड देखा वो आया हमारे लैंडिंग पेज पर आया तो पहले मैं क्या करूंगा, उस बुक्स के जबरदस्त फायदे बताऊंगा। फायदे बताने के बाद ये बताऊंगा कि ये बुक फ्री में है, उसके बाद अपनी कंडीशन बताऊंगा, लेकिन आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा। उसमें मैं कोई चार्ज नहीं रखूंगा, बुक का कोई चार्ज नहीं लूंगा, शिपिंग चार्ज लूंगा जो भी 50-60 रुपए है। तो बंदे को लगता है यार शिपिंग चार्ज ही तो ले रहा है, बुक मुझे फ्री में मिल रही तो वो अपना ले लो, तो 50-60 रुपए में उसको बुक मिल जाती है। अब ये बुक जो है ना, बुक क्या करती है, वो उस बुक को जो बंदा वो पढ़ेगा और उस बुक में वो क्रॉस प्रमोशन या मार्केटिंग करता है अपना, जो भी बुक को पढ़ता है उस बुक में अपने फनल के बारे में बताता है, फनल कैसे बनती है वो बताता है, देन उसके बाद में वो क्लिक फनल्स को बेचता है, ठीक है। तो उसका इनडायरेक्ट प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक फनल हो गई, और कौन सी फनल आप सुने या देखे हो? एक होती है सास फनल, इसका नाम सुन, सास वाली सास नहीं, SSS फनल, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस फनल, ठीक है। तो मतलब जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को लेते हैं, खरीदते हैं, उसमें आप लाइक स्पिरिचुअल टाइप ऑफ सास फनल आप कह सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर जो एज अ सर्विस बेचे जाते हैं उनको हम सेल्स फनल बोलते हैं। आपने बहुत सारे एंटीवायरस लिए होंगे, देखा होगा कि वो आपको पहले ट्रायल वर्जन देते हैं फिर पेड में ले आते हैं, है ना। ये सारे आपके सेल्स फनल में कैटेगरी में आ जाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर्स को बेचते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप की फनल्स होती हैं जिनको आप जरूर से जरूर नोट कर लो।